जो कि स्टार्ट होता है अब। चालक के पास लाइट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञप्ति थी, परंतु उक्त चालक अनुज्ञप्ति के अधीन वाहन चलाने का प्रस्थांकन नहीं था, फुल स्टॉप। प्रश्नगत वाहन का भार 6000 किलोग्राम से कम था, अतः इसे लाइट मोटर व्हीकल की कोटि में माना गया और यह मत दिया गया कि वाहन परिवहन यान के रूप में डिजाइन था, परंतु दुर्घटना के समय वाहन परिवहन यान के रूप में उपयोग में नहीं आ रहा था, कॉमा चालक के पास दुर्घटना के समय विधिमान चालक अनुज्ञप्ति होना मानी गई, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, हमारा राजनीतिक वर्ग समुदाय विशेष को छूट देता है किसी क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराता है और बस वह गरीबों दलितों वंचितों का समर्थक होने का दावा करने लगता है, फुल स्टॉप। पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों के मामले में केंद्र सरकार पैसा बहाकर इस भ्रम में रह जाती है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, फुल स्टॉप। यह पैसा विद्रोही गुटों के पास पहुंच जाता है, फुल स्टॉप। और यदि आप इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें, नेक्स्ट पैरा, आवेदक के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का खंडन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नहीं किया गया है, फुल स्टॉप। आवेदक की साक्ष्य एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उसके वाहन से कथित दुर्घटना कारित करना प्रमाणित पाया जाता है, फुल स्टॉप। आवेदक ने उसके कथन में उसे दाहिने पैर में हुआ कमर में गंभीर चोट आकर स्थायी अपंगता कारित होना बताया है, परंतु स्थायी अपंगता के संबंध में किसी चिकित्सक के कथन
नहीं कराए हैं और ना कोई दस्तावेज पेश किया है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, ना तो मुझे ध्यान कैसे करना उसकी समझ थी, ना तो उससे जो पाना है वो समाधि के बारे में कुछ पता था, फुल स्टॉप। मैं यह मानता था कि आँख को बंद करके चुपचाप पड़े रहना और मन को निर्विचार करना उसका नाम ध्यान है, फुल स्टॉप। ऐसे प्रयास करने में मुझे आनंद मिलता था, फुल स्टॉप। सुबह जल्दी उठकर और शाम ढलने के बाद नियमित रूप से मैं उसका अभ्यास करता उस दिन और उस क्षण के लिए मैं बेकरार था जब ध्यान में मन एकाग्र हो, फुल स्टॉप। यह सही है कि घटना के समय अनावेदक क्रमांक एक के पास LMB NT चालक लाइसेंस था और अनावेदक क्रमांक दो की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन का उपयोग वाणिज्यिक रूप में अर्थात उक्त वाहन में माल का परिवहन किया जा रहा था, फुल स्टॉप। ऐसी स्थिति में न्याय दृष्टांत अशोक वी कॉमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 319 सुप्रीम कोर्ट में अवलोकनीय हुआ विचारणीय है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है, फुल स्टॉप। हमारा राजनीतिक वर्ग समुदाय विशेष को छूट देता है किसी क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराता है और बस वह गरीबों दलितों वंचितों का समर्थक होने का दावा करने लगता है, फुल स्टॉप। पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों के मामले में केंद्र सरकार पैसा बहाकर इस भ्रम में रह जाती है कि उसने अपना पूरा कर्तव्य कर दिया है, फुल स्टॉप। यह पैसा विद्रोही गुटों के पास पहुंच जाता है, फुल स्टॉप। और यदि आप इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित
करने की कोशिश करें, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।